बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए तीन बड़े बदलाव के साथ घोषित हुई भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी और कौन से होने वाले हैं तीन बड़े बदलाव, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला शानदार तरीके से जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया, जिसमें कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तो भारतीय टीम ने पहली पारी में केएल राहुल के 123 रनों की पारी के बदौलत 327 रन बनाए थे। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 197 रन ही बना सकी और भारतीय टीम को 130 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 191 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत को 111 रनों के बड़े अंतर से पहले टेस्ट मुकाबले में जीत मिल गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो एक बार फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के कंधों पर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों तीन नंबर पर चेतेश्वर पुजारा की जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों चार नंबर पर कप्तान विराट कोहली, तो वहीं पांच नंबर पर अजिंक्य रहाणे की जगह पर हनुमा विहारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं छह नंबर पर दोस्तों ऋषभ पंत और सात नंबर पर रविचंद्रन अश्विन होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आठ नंबर पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर जयंत यादव को टीम में मौका मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों नौ नंबर पर मोहम्मद शमी, तो वहीं दस नंबर पर जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा ग्यारह नंबर पर मोहम्मद सिराज होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले से चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की छुट्टी होने वाली है। तो वहीं पर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर, हनुमा बिहारी और जयंत यादव को टीम में मौका मिलने वाला है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या ये तीन बड़े बदलाव होने चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।